अन्नपूर्णा दांतों के अस्पताल द्वारा राज इंटरनेशनल स्कूल में 4 दिवसीय टीथ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 400 से ज़्यादा बच्चे व स्कूल स्टाफ मेंबर्स के दांतों की जांच की गई। साथ ही दांतों की जांच करने पहुंचे डॉक्टर वसंत गुप्ता और डॉक्टर दिव्या गोयल ने बच्चों को बताया कि वो कैसे अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर दिव्या गोयल ने कहा कि जांच में सामने आया है कि जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से और प्रॉपर ब्रश नहीं करने के कारण दांतों में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए अगर अपने दांतों को ठीक रखना है तो खाने पीने के साथ साथ 2 टाइम ब्रश करना जरूरी अपना नियम बनाएं। हमने यहाँ राज इंटरनेशनल स्कूल में 4 दिन से कैंप लगाया हुआ है डेंटल चेकअप के लिए, जिसमें हमने करीबन 400 से 500 बच्चों का चेकअप किया है और हमने करीबन 50 से 60 टीचर्स का भी चेकअप किया है। हमने अधिकांश ये पाया है कि ज़्यादातर बच्चों में कैविटीज़ की प्रॉब्लम है, गम्स प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं और काफ़ी बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े भी पाए गए, तो जिनके लिए हमने उन्हें बता दिया कि कैसे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ज़्यादातर देखिए ये है कि उनकी फ़ूड हैबिट्स थोड़ी सी, आजकल बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ब्रशिंग की तरफ थोड़ा सा उनका ध्यान कम है, तो इन कारणों से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई गई हैं आजकल के बच्चों में। नहीं, हमने उन्हें ये बताया है कि आप एटलीस्ट सुबह और शाम ब्रश कीजिए, माउथवॉश का यूज़ कीजिए, कभी भी आप मीठा खा रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रश कर लीजिए या एटलीस्ट रिंस कर लीजिए, तो इतना मिनिमम कर लीजिए और 6 महीने में यानी तो साल में एक बारी चेकअप ज़रूर करवा लीजिए। देखिए ज़्यादातर अगर लोग 2 बारी ब्रश कर लेंगे और अपना थोड़ा बहुत भी ख्याल रख लेंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, बस यही है कि अब लोग इतने बिजी हो गए हैं कि वो इतनी छोटी चीज़ भी नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो 2 बारी भी अगर वो ब्रश कर लेंगे तो उनकी 90% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही जाएंगे। स्कूल में लगाए गए कैंप से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बच्चों ने कहा कि उनके दांतों में दिक्कत होती है तो वो समय पर डॉक्टर को नहीं दिखा पाते और अब स्कूल में ही खुद डॉक्टर आए हैं तो उन्हें डॉक्टर ने स्कूल में ही काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिससे कि दांतों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि वह अन्नपूर्णा अस्पताल के आभारी हैं जो उन्होंने स्कूल में आकर बच्चों के दांतों की जाँच की। यहाँ पर डॉक्टर वसंत गुप्ता व उनकी वाइफ डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने 4 दिन का बच्चों के लिए मेडिकल कैंप लगाया था जिसमें उन्होंने डेंटल चेकअप कैंप लगा और लगभग 400 बच्चों ने और 100 का हमारा स्टाफ था जिन्होंने उनके इस कैंप में कैंप का फ़ायदा उठाया और हम राज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस कैंप में जो बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो ब्रश नहीं करते हैं और छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं जो जिस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पर हमने फोकस करते हुए डॉक्टर साहब को इनवाइट किया था और डॉक्टर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। सर, आजकल बच्चों के बचपन से ही बहुत ज़्यादा टीथ में प्रॉब्लम हो रही है और इस वजह से बड़े होकर इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और संडे को फिर हम कहीं घूमने चले जाते हैं, तो स्कूल वालों ने ये बहुत अच्छा किया कि हम यहाँ पे स्कूल में डॉक्टर बुलाया, इससे हमारे बहुत फ़ायदे हुए क्योंकि हम सुबह से शाम तक स्कूल में ही रहते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल जाने का, तो जैसे उन्होंने यहीं बता दिया हमें कि जैसे मेरे लोअर टीथ टेढ़े मेढ़े हैं तो उन्होंने कहा इसमें मतलब हॉस्पिटल में आके चैन वगैरह लगवा सकते हैं और ये सब। सर, उन्होंने बताया था कि आप मीठा कम खाएं और अपने मीठे पे कंट्रोल करें। मेरे एकदम ठीक थे दांत, सर ने बताया कि आपके दांत ठीक है, जैसे कि पुष्पेंद्र भैया और तान्या ने बताया कि बच्चों को बचपन में प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्कूल में रहते हैं तो उसके बाद उनको टाइम नहीं मिलता स्कूल के जाने के बाद, तो स्कूल वाले ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पे मेडिकल टीम बुलाई, डेंटिस्ट, तो उन्होंने यहाँ पे चेकअप करवा दिया बच्चों का।